एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इशिजो और रूरू दोनों बातें करते हुए जा रहा होता है, और इशिजो एक नया स्केच बुक खरीद के ले आता है, और उसके बारे में दिखाया जाता है वो दोनों स्कूल पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर वो दोनों बातें करते जा रहा होता है, और इधर तभी इजुमी आ जाती है, और इधर इजुमी आकर बोलती है आज मेरा पहला दिन है तुम्हारे क्लब में, और इधर रूरू कुछ बोल जाती है, और ये सब सुनकर इशिजो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद इशिजो और इजुमी दोनों बातें करने लगता है, और इधर तभी वही लड़की आ जाती है जो लड़की पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, उधर वो लड़की आकर बोलती है हे इजुमी और इशिजो दोनों बहुत मस्ती कर रहे हो, और इधर इशिजो बोलता है हाँ हम लोगों ने तो तुम्हें कल देखा था तुम बिना सोए हो है ना, और इधर वो लड़की वजह से चली जाती है, और उसके बारे में दिखाया जाता है इशिजो उस लड़के के बारे में उस वो टीचर को पूछा था, जहाँ पर वो टीचर बोला था कि उस लड़के के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है, और वो टीचर उन लोगों को बोली थी कि वो उस लड़की को यानी वो मीनासे को उन लोगों के टीम में लाने के लिए ट्राई कर रही है लेकिन वो नहीं आ रही है, और ये सुनकर इजुमी बोली थी कि उसे पता है कि एक नया लड़की को कैसा लगता है यानी वो एक नया स्कूल में कैसा फील करती है, और जर में दिखा जाए प्रेजेंट पर जब पर रूरू इशिजो से बोलती है इशिजो मीनासे को क्या तुम हमारे टीम में लाना नहीं चाहते हो, उधर इशिजो बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, और ये सुनकर रूरू बोलती है हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा क्रश है, और ये सुनकर इसमें बोलती है यानी वो पूछते हैं कि क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो, और ये सुनकर इसे जो बोलता है नहीं ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जरा मैं दिखा जाता है मीनासे को जब, और मीनासे अपने रूम पर बैठ कर कुछ सोच रही होती है, और जरा मैं दिखाया जाता है इसी जो लोगों को जब, और इसी जो लोग उस टीचर से मिलने के लिए आता है, जब और वो टीचर उन लोगों को एक सिक्योरिटी रोबोट के बारे में बता रही होती है, और उसके बाद टीचर मीनासे के बारे में भी बोलती है, और इधर हमें दिखाया जाता है मीनासे एक जगह पर जाती है, और उसके बाद वो एक रूम पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट होते हैं, और उधर वो मीनासे उन रोबोट के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर उन रोबोट को कुछ नहीं होता है, और उसके बाद वो रोबोट मीनासे के ऊपर अटैक कर देता है, और भी ऊपर इशिजो लोग आ जाता है, और उधर कवामी उन रोबोट्स के ऊपर अटैक करके मीनासे को बचा लेती है, और इशिजो मीनासे को लेकर उधर साइड पर चला जाता और है, जब और मीनासे बोलती है नहीं मैं उन लोगों के साथ लड़ूंगी, और ये बोलकर वो फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, लेकिन फिर से उन रोबोट्स के ऊपर कुछ काम नहीं आता है, और उधर रूरू इशिजो को ड्रॉइंग करने के लिए बोलती है, और उधर मीनासे सोच रही होती है इन लोगों को कैसे हराओ, और तभी इशिजो कावागामी को बोलता है, और तभी इशिजो कावागामी को एक आइडिया देती है, जब पर कावागामी उस आइडिया से उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, और इधर मीनासे भी उन रोबोट्स के ऊपर अटैक कर देती है, और तभी इजुमी उस मेन रोबोट के अलावा सारे रोबोट्स को खा लेती है, और उसके बाद कावागामी अपने जादुई पावर से उस रोबोट के ऊपर अटैक करती है, और इधर इशिजो का स्क्रैच तैयार हो जाता है जिसकी वजह से वो उस रोबोट को अपने बुक पर कैद कर लेता है, और उसके बाद मीनासे उन लोगों को कुछ बोलकर वहां से चली जाती है, और इधर रूरू इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, और तभी उससे कुछ मिल जाता है, और उसके बारे में दिखाया जाता है सब लोग इशिजो के घर पर होता है, और इधर इशिजो का घर बुक से भरे हुए होता है, और इधर रूरू उस चीज को सर्व कर रही होती है, और इसे देखकर कावागामी उसे पूछे तुम क्या कर रही हो रूरू, और इधर रूरू बोलती है हाँ ये मुझे फैक्ट्री पर मिला था इसे मैं साफ कर रही हूँ, और उसके बाद रूरू उस डिवाइस को इशिजो के पास लेकर आती है, और इधर इशिजो उस डिवाइस को देखकर बोले रहता है शायद ये एक सीक्रेट कोड हो सकता है, और उसे उधर एक रिसेट बटन मिलता है, और ये देखकर वो उसे टच करता है जिसकी वजह से वो डिवाइस बंद हो जाता है, और उसे देखकर कागामी बोलती है तुमने ये इसे खराब कर दिया, और ये सुनकर इसे सब बोलते हैं लगता है ये एक पीसी डिवाइस है इसे रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बारे में दिखाया जाता है इसे भी कागामी और रूरू उधर चली जाती है यानी इसे उसके घर से चली जाती है, और उसके बारे में दिखाया जाता है इसे जो अपने मॉनिटर पर कुछ कर रहा होता है, और इधर वो उस डिवाइस को पीसी के साथ कनेक्ट करता है, और इधर में नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम पर इजुमी और कावामी दोनों एक्सरसाइज कर रही होती है, और इधर इसी जो कुछ ड्राइंग कर रहा होता है, और उसके बाद इसी जो उस ड्राइंग को कावामी लोगों को दिखाकर बोलता है हे देखो मैं अपना स्किल इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं एक स्केरी डीमन को बना रहा हूँ, और ये सब देखकर इजुमी इशिजो से कुछ पूछती है, और इधर कुछ बोलने लगता है, और तभी कावागामी उसके पास आकर उसे चुप करा देती है, और तभी वहाँ पर वो टीचर आ जाता है, और इधर टीचर उन लोगों को आकर बोलता है क्या तुम लोगों का कुछ काम है, और इधर इशिजो लोग बोलता है नहीं कुछ काम नहीं हम लोग ऐसे बैठे हैं, और ये सुनकर वो टीचर बोलता है मैं तुम लोगों के लिए एक काम लाया हूँ,
तुम लोगों को एक गर्ल्स कॉलेज पर जाना होगा। सुना है कि वहाँ पर कुछ फैंटम से हमारे पास एक रिक्वेस्ट आया है और उसके बारे में दिखाया जाता है। इस जो लोग गर्ल्स कॉलेज पर जाता है जब कुछ लड़कियाँ होती है और वो लड़कियाँ उनको बोलती है कि वो लोग उस कॉलेज पर एक यूएफओ को देखा है और वो यूएफओ फोटो भी खींचता है और ये बोलकर वो लड़की लोग वहाँ से चली जाती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है इस जो लोग एक रूम पर जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ ढूंढ रहा होता है और भी इसमें बोलने लगती है, मुझे भूख लगी है, मेरा पेमेंट मिलता तो मैं कुछ डिलीशियस खाता। और ऐसे वो लोग कुछ बातें करते हैं और उसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग खाना खा रहा होता है, यानी वो लोग स्नैक्स खा रहा होता है। और तभी रूरू बोलती है यहाँ पर एक फैंटम से तुम लोगों को याद है ना, उसे हमें ढूंढना है। और ये सुनकर काउका में बोलती है उस यूएफओ को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। और ये सुनकर इसमें बोले शायद वो अभी तक नहीं आया इसलिए क्योंकि ये एक गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पर एक लड़का है इसलिए वो नहीं आया होगा। और ये सुनकर वो लोग इस को उस रूम से बाहर कर देता है और तभी वो यूएफओ आ जाता है। और ये सुनकर इसे तो उस रूम पर चला जाता है और इधर आकर वो देखता है कि कावाकामी लोग उस यूएफओ को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उधर कावाकामी इसे तो वो पकड़ कर खिड़की से बाहर कर देता है और उसके बाद फिर से इसे तो उस रूम पर आ जाता है और उधर वो आकर इजुमे के ऊपर ही गिर जाता है और उधर वो यूएफओ उन लोगों का फोटो खींच रहा होता है। और उधर इजुमे फिर से इसे तो वो बाहर कर देती है और उधर इसे तो फिर से रूम पर आ जाता है और उधर इजुमे इसे से माफ़ी मांग रही होती है और उधर इसे तो बोलता है कोई बात नहीं। और ये बोलकर वो अपना स्क्रेच बुक निकलता है और बोलता है अब समय आ गया है उस डेमन को बुलाने का। और ये बोलकर वो अपने उंगली पर थोड़ा सा खून निकाल लेता है और इसके बाद वो उस बुक को यानी वो उस डेमन के ऊपर वो टच कर देता है जहाँ से एक डेमन निकलने लगता है। और वो डेमन बदल के एक कुत्ता में बदल जाता है जिसे देख कर काउका में बोलती तुम इसे बना रही थी तब से। और वो यूएफओ उन लोगों का फोटो खींचने लगता है और ये देख कर काउकामी उस यूएफओ के ऊपर मार देता है और वो यूएफओ जाकर उस कुत्ते के ऊपर लग जाता है जहाँ पर वो कुत्ता गुस्सा हो जाता है और उस यूएफओ के पीछे पड़ जाता है। और वो कुत्ता उस यूएफओ को पकड़ लेता है और उसके बाद इसे तो उस कुत्ता को पकड़ लेता है और इधर इजुमे को बोलती है तुम इसे खा लो, यानी उसे उस यूएफओ को खाने के लिए बोलता है। और इजुमे उस यूएफओ को खा लेता है और उसके बाद वो बोलता है तुम्हारा उंगली का खून। और ये बोलकर वो इजुमे का उंगली को अपने मुँह पर ले लेता है और उसके बाद उधर वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं और तभी ऊपर मीना से आती है और इधर मीना को देख कर वो लोग पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इधर मीना से बोलती है मैं कल इम्प्रेस हो गया था लेकिन ये मुझे लगता है ये गलत है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और इधर काउका में बोलती है शायद वो हमारे टीम में आना चाहती है, यही बोलना चाहती है होगा शायद। और इधर वो रूम उन लोगों ने पूरी तरफ से खराब कर दिया था और उसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग उन लड़कियों से माफ़ी मांग रही होती उस रूम को ख़राब करने के लिए। और जरिए एपिसोड एंड हो जाता है।